हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र की स्पेशल साबूदाना थालीपीठ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं व्रत में खाए जाने वाली थालीपीठ बना रही हूँ, पर आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स में खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। साबूदाना थालीपीठ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप साबूदाना को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। फिर मैंने बाउल में जितना साबूदाना है बिल्कुल उसी के लेवल तक पानी भरकर इसे पूरी रात के लिए सोक किया है। आप देख सकते हैं साबूदाना कितना सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर आपको साबूदाने को अच्छे से स्ट्रेन कर लेना होगा ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अभी मैं साबूदाने को हाथों से थोड़ा मैश कर लूंगी। फिर मैं इसमें एक उबले हुए आलू को ग्रेट करके ऐड करूंगी। आप यहाँ पर आलू को ज़्यादा मैश मत करें वरना वो गीला हो जाएगा। इसके साथ मैं इसमें 2 बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च, 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 2 टेबलस्पून लाइटली क्रश किया हुआ रोस्टेड मूंगफली और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। साबूदाना थालीपीठ को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, पर मैं सजेस्ट करूँगी आप चीनी को डाल कर देखें। तो अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लूँगी। डो बनाने के लिए इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलू और साबूदाने के मॉइस्चर से डो आसानी से बन जाता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। थालीपीठ को स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट ले लिया है। इसके जगह पर आप बटर पेपर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा तेल ब्रश कर दूंगी। आप यहाँ पर व्रत के लिए घी भी ब्रश कर सकते हैं। साबूदाने का टेक्सचर थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए उसे इस तरह से स्प्रेड करने में आसानी होती है। तो अब मैं डो में से थोड़ा पोर्शन लेकर उसे प्लास्टिक शीट में कवर करके हाथों से थोड़ा स्प्रेड कर दूंगी। आप थालीपीठ को अपने पसंद के अनुसार छोटा, बड़ा या फिर मीडियम साइज का बना सकते हैं। सिर्फ इसे जितना हो सके उतना पतला स्प्रेड करें। अगर आप इसे मोटा रखेंगे तो फ्राई करते वक्त ये टूट जाएगा। तो मैंने मीडियम साइज का साबूदाना थालीपीठ बना लिया है। अब मैं इसके बीच में एक होल बना दूंगी। मैंने बहुत जनों को थालीपीठ में ये करते हुए देखा है, पर मुझे इसका रीजन नहीं पता। अगर आपको मालूम है तो मुझे भी कमेंट करके बताएं। मैंने 1 टीस्पून तेल को इस नॉनस्टिक तवा के ऊपर डालकर मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो तेल के जगह पर घी यूज करें। तो मैंने एक साबूदाना थालीपीठ को तवा के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा तेल डालकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस साइड से अच्छे से फ्राई कर लूंगी। करीब 4 मिनट इस साइड को सेक लेने के बाद आप थालीपीठ को बहुत ध्यान से दूसरे तरफ पलट दें और इस साइड को भी 3 से 4 मिनट ब्राउन स्पॉट्स आने तक फ्राई कर लें। तो बस कुछ ही मिनटों में ये साबूदाना थालीपीठ दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लूंगी और बिल्कुल इसी तरह बाकी सारे थालीपीठ को बना लूंगी। अगर आप पहली बार साबूदाना थालीपीठ बना रहे हैं या फिर किसी और वजह से थालीपीठ टूट रहा है, तो व्रत के दिनों में आप इसमें 1 टेबलस्पून सिंगारे का आटा या फिर कुट्टू का आटा या फिर राजगिरे का आटा ऐड कर सकती है। और नॉर्मल दिनों में आप इसमें नॉर्मल गेहूं का आटा ऐड करके डो को बना लें। आटा ऐड करने से
डो में बाइंडिंग बढ़ जाता है, जिससे ये साबूदाना थाली पिट नहीं टूटता है। बहुत ही टेस्टी साबूदाना थाली पिट तैयार है। आप इसे व्रत के दिनों में रायते के साथ और बाकी दिनों में कोई भी चटनी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। मेरे चैनल में साबूदाना के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो उन्हें भी एक बार देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।